हम लोग जो है यहाँ पे आज इस वीडियोस में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट्स है, जैसे आपका गेट के एग्ज़ाम्स, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, है ना, या फिर आप अगर लैटरल एंट्री का तैयारी जो लोग किए होंगे वे लोग भी इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे। और डियर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। क्योंकि आपका थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेगा, खुद से भी पढ़ लेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से आपका जो है एक एक्यूरेसी बनता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेहतर होगा। तो चलिए, ये जो सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं बीटेक के, तो आपका जो है सिविल और मैकेनिकल के लिए, है ना, सिविल और मैकेनिकल के लिए, दोनों के लिए ये जो सब्जेक्ट्स है ये कॉमन है ना। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। यही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रिकल के बात किया जाए तो उन लोगों को भी जो है पढ़ना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स एक वैसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी पे इफेक्ट जो देखने को मिलता है, या तो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा हो या फिर उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा हो, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होगा, क्या उस बॉडी में इफेक्ट नज़र आएगा, क्या प्रभाव नज़र आएगा, क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं, उसी को हम लोग जब पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, शाखा में पढ़ते हैं साइंस का, उसको जो है मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स में कई सारी चीज़ें आपकी जो है पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर का जो मैकेनिक्स है ये अपना स्ट्रक्चरल वाला मैकेनिक्स है ना। स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैकेनिक्स थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसमें रिलेट करेंगे, है ना, जो कि सिविल और मैकेनिकल या अदर ब्रांचेज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस का वह ब्रांच है जिसमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या हो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा किसी भी रिजिड बॉडी का, अगर वो या तो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो तब। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसको स्टैटिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक कहा जाता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी मोशंस में है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। अगर बॉडी जो है मोशन में है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है काइनेटिक्स और एक बांटा जाता है काइनेमैटिक्स, है ना। एक बांटा जाता है काइनेटिक्स और एक बांटा जाता है काइनेमैटिक्स। और जो बॉडी जो है मोशन में है तो इसको जो है कहा जाता है डायनेमिक, है ना। ये स्टैटिक था और ये डायनेमिक था, ठीक है। और डायनेमिक्स को ही जो है दो भागों में बांटा जाता है ना। डायनेमिक कब कहेंगे हम लोग? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वह ब्रांच डायनेमिक होगा जिसमें हमारा जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस रिजिड बॉडी पे देखने को मिलेगा। कब? जब बॉडी जो है मोशन में होगा तब, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ अजम्पशन देखते हैं, क्या अजम्पशंस है या आइडियलाइजेशन है बॉडी के बारे में। तो बॉडी सबसे पहले कंटिन्यूअम होना चाहिए। कंटिन्यूअम मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बॉडी बनेगा, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बॉडी बनेगा वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हर एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद है रिजिड बॉडी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग उसको मानेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि उसका जो इंटरमोलिक्यूलर पोजिशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे उस पर फोर्स कितना भी लगा दे, उसमें कोई चेंजेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वह बॉडी जो है नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन उसमें कैरी होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो जो डिफॉर्मेशन होता है उसका, लेंथ ब्रेथ वगैरह जो चेंजेस होता है वो बहुत कम आपका जो है देखने को मिलेगा। इसका शेप एंड साइज जो होगा क्या होगा? फिक्स होगा।
और जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, रिजिड बॉडी में जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेज होंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका जो है हो जाता है। जैसे मान लो कि ये पोजीशन है, यहाँ पे पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है मान लो ये हो गया एक मीटर। ठीक है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगाएं, है ना, इस बॉडी पे मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एफ लगा दिए, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने के बाद भी मान लो कि ये फर्स्ट फिगर हमारा बना और जब फोर्स लगा दिए तो ये दूसरा फिगर बन गया, तो इस कंडीशन में भी हमारा एक मीटर ही डिस्टेंस होगा। यानी डिस्टेंस नेवर विल बी चेंजेस, ऑलवेज कांस्टेंट। जो पहले बॉडी में बिना फोर्स लगाए हुए था, जब फोर्स लगा देंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो डिस्टेंसेज होंगे दो पॉइंट्स के बीच में रिजिड बॉडी का, वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बॉडी अगर रिजिड बॉडी है और फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है मोशन में जरूर आएगा, है ना, बॉडी जो है मोशन में जरूर आएगा। तो मोशन में जब वो आएगा तो दो तरीके से आएगा। पहला तरीका होगा कि आपका यहाँ पे ये इस तरीके से वेलोसिटी जाएगा, है ना, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे होगा। और एक होगा कि ये जिस लाइन पॉइंट है, इस पॉइंट के अलोंग जो है यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस आपके हो सकते हैं, हो सकता है कि ये वी ए हो और ये वी बी हो, है ना, वी बी हो या वी ए हो इस तरीके से। या फिर यहाँ पे अगर ये होगा तो यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा, कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा थीटा, यहाँ पे अगेन एक एंगल होगा थीटा। तो ये जो होगा ये आपका वी, है ना, वी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा वी वी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे एंगल दिया हो रहेगा। अगर ये इस तरीके से लगेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल आपको जो है कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी वी कॉस थीटा, अगेन इस फिगर में वी ए इक्वल टू वी वी हमारा जो है होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई दो राय यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन इन रिजिड बॉडी, इन रिजिड बॉडी द वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ टू पॉइंट्स, ऑफ टू पॉइंट्स आर ऑलवेज सेम। जैसे डिस्टेंस जो था वो रिजिड बॉडी में क्या था, ऑलवेज कांस्टेंट था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है क्या होगा, सेम होगा जब वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग लेकर चलेंगे तब। उसके बाद आता है पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, वह मास होता है पार्टिकल का जो कि कंसंट्रेटेड होता है एट ए पॉइंट एंड साइज इज नेग्लिजिबल। ये किसी पॉइंट पे उसका मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और जो साइज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा जो है एक बॉडी है, ये मान लो एम है, ये कैपिटल एम है, ये क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बॉडी, और यहाँ पे मान लो कि एक हम ले रहे हैं पार्टिकल, तो यहाँ पे स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो मास है ना, वो एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, क्या होगा, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैं दिखा रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन एक पॉइंट पे ही जो है पूरा का पूरा मास जो है कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन वही अगर बॉडी में बात किया जाए तो पूरा बॉडी में मास जो है आपका होगा, अगर किसी भाग को काट देंगे तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन जो साइजेज होगी एज कंपेयर टू बॉडी, बॉडी के कंपेरिजन में पार्टिकल का साइज जो है नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत छोटा आपको होगा। उसके बाद बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी।
टेंसर क्वांटिटी, नॉर्मली हम लोग जो है क्वांटिटी दो पढ़ते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है आपका होता है, और वही अगर वेक्टर क्वांटिटी बात किया जाए तो वह क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और कुछ वैसे भी क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा उसमें रोटेशन भी देखने को मिलता है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशन भी मिलता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना, जो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, ठीक है। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जो है कहा जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्सिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये जो है आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ टेंसर है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर जो है आपका ये है, ठीक है। अब हम लोग अगला जो अजम्पशंस है वो है आपका फोर्स, पॉइंट नंबर फोर, फोर्स। फोर्स क्या है, तो जो भी पुल या पुश करने में हमें एनर्जी लगेगा वही तो हमारा फोर्स है ना। जो पुल और पुश किए तो जो बॉडी था है ना, उस बॉडी के स्टेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अब चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब दो चीज़ें होगा, या तो बॉडी जो है पहला रेस्ट में रहेगा या फिर बॉडी जो है मोशन में रहेगा, है ना, यही दो कंडीशन होगा ना। स्टेट ऑफ बॉडी में दो ही चीज़ होगा, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या तो बॉडी मोशन में होगा। लेकिन यहाँ पे भी कई सारे कंडीशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब दो कंडीशन आया तो इसमें भी सब डिवाइडेड होगा, या तो बॉडी रेस्ट टू मोशन हो, है ना, या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में जाए, या फिर आपका मोशन से रेस्ट में आए, मोशन टू रेस्ट, या फिर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल ए टू मोशन ऑफ पार्टिकल बी, ठीक है। ये आपका तीन कंडीशन होगा, अगर कोई स्टेट ऑफ बॉडी दो ही होगा, या तो रेस्ट या तो मोशन। अब इस कंडीशंस को हम लोग सब डिवाइड कर देंगे कि रेस्ट से मोशन में आ रहा है, या फिर मोशन से रेस्ट में जा रहा है, या फिर रिलेटिव मोशन होगा कि भाई मैं भी चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई और चल रहा है, हम जो है थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, वो थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं है ना, जो फोर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, है ना। फोर्स कितने तरीके के होते हैं, फोर्स आपका दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल एंड एक होता है, ये पहला है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहला फोर्स होता है इंटरनल और दूसरा फोर्स होता है एक्सटर्नल। तो दो फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल अगर ले रहे हैं और उसका फोर्स को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें तीन पॉइंट होना हमारे पास जरूरी है, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है,
फोर्स का डायरेक्शन क्या है और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अगर ये तीन चीज़ें होंगी हमारे पास, तभी हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज फोर्स को हम लोग जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो अजम्पशन था या आइडियलाइजेशन ऑफ बॉडी था, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 2 ये होने वाला है। पहला लेक्चर जो है हम लोग देख चुके थे, ऑलरेडी समझ चुके थे। अब यहाँ पे आपका जो है मॉड्यूल 2 में हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं न्यू। मॉड्यूल 1 में लेक्चर 2 में क्या देखेंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है उसके बारे में मैंने क्या किया था, आपको जो है डिस्कस करवाया था, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। फोर्स क्या है, तो एक तरीके का एक्सटर्नल एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हैं। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में कैसे ला रहे हैं, अगर मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आ रहा है। मतलब एक्सटर्नल एजेंसी को अप्लाई करके जब किसी भी बॉडी का स्टेट में चेंजेस लाया जाता है तो उसे जो है हम लोग फोर्स कहते हैं। ये हम लोग अपने लेवल के डेफिनेशन को समझें, लेकिन यही जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो उस समय बोला जाता था कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो उसमें हम लोग को यही पढ़ाया जाता था, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश करो यानी घींचो तो रेस्ट से मोशन में आएगा, पुल करो तो भी रेस्ट से मोशन में जाएगा, या मोशन में आ रहा है तो उसको पुश कर दो तो रुक जाएगा। तो वही है यहाँ पे भी, लेकिन ये एक एक्सटर्नल एजेंसी का नाम आ जाता है, जुड़ जाता है, जो कि हमारे जो बॉडी का स्टेट है उसको चेंज करता है। तो बॉडी का स्टेट जो है हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि वो 3 तरीके का होता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, और एक रिलेट करके मोशंस को हम लोग देखे थे। हमने देखा था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का अगर ऐसा यूनिट बात किया जाए तो न्यूटन होता है। MKS सिस्टम बात किया जाए तो KG मीटर पर सेकंड होता है, है ना, पर सेकंड स्क्वायर होता है MKS में, है ना, MKS। ठीक है, उसके बाद CGS में डाइन कह सकते हैं या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। वही अगर FPS में बात किया जाए तो उसका जनरली यूनिट जो है डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको भी हम लोग पाउंड के टर्म में उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है आपका या तो SI यूनिट में या फिर CGS में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि आप बताइए कि 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, तो 9.81 न्यूटन होता है। 1 kgf में 9.81 न्यूटन जो है आपका होता है, और 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होता है, सॉरी 10⁵ डाइन होता है, और 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, ये आपका जो है यूनिट कन्वर्जन है। वही अगर डायमेंशन की बात किया जाए, कई सारे एग्जाम्स में आपको बेसिक क्वेश्चन, कंपटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि डायमेंशन बताइए फोर्स का, है ना, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ML और t⁻², है ना, t⁻², तो डायमेंशन क्या हो जाएगा ML t⁻², तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा
डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने तीन नियम दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी रुका हुआ है तो वो चाहता है कि हम रुका हुआ ही रहें, हम कहीं नहीं जाएं। और कोई बॉडी अगर मोशन में है यानी चल रहा है तो वो चाहता है कि हम चलते ही रहें, हम कभी रुके ना। कब तक? जब तक कि उस बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए, क्योंकि हमने देखा था कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एजेंट है। तो अगर किसी बॉडी पे अगर कोई मोशन में है और उस पर फोर्स लगाएं तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा स्पीड में चला जाए या हो सकता है कि वो रुक जाए। या कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये कब तक वैलिड होगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई ना हो जाए उस बॉडी पे, तब तक जो है हमारा बॉडी चाहेगा जिस स्टेट में वो है प्रेजेंट टाइम में उसी स्टेट में रहना। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब बात आती है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? तो ये फिजिकल पावर है बॉडी का। इनर्शिया क्या है? ये फिजिकल पावर है बॉडी का, इसको आप लिख सकते हो, इनर्शिया इज फिजिकल पावर ऑफ बॉडी। इनर्शिया क्या है अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपसे पूछे तो ये फिजिकल पावर है किसी भी बॉडी का। यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं है ना, वो लीनियर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं क्योंकि लीनियरली हम लोग चलते हैं, ठीक है। और कई बार जब वेलोसिटी आएगा तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा मान कर चलो कि कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किस केस में? जब फर्स्ट लॉ हमारा होगा उस केस में, यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म में ही रहना चाहेगा, है ना, क्योंकि बढ़ना तेज ना तेज कम ये वो पसंद नहीं करता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नियम के तरफ जो कि न्यूटन साहब का है। इस नियम के अंतर्गत क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होता है कैसे? इक्वली टू द फोर्स अप्लाई बाय बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई किया गया उसके इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। यही सेकेंड लॉ के द्वारा दिया गया कि जो फोर्स लगाए वो क्या होगा? इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी जो डायरेक्शंस होगा लीनियर मोमेंटम का वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम की बात किया जाए तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इसको लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये चेंज हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा। विद रेट, रेट का मतलब जब भी बात आती है रेट की तो डिवाइडेड बाई टी भी हो जाता है। तो जब डिवाइडेड बाई टी होगा तो ये हो जाएगा एम इंटू ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एफ फोर, एफ फोर फोर्स, एम फोर मास एंड ए फोर
एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डेट्स फाइन। अब देखो, कई बार क्या होता है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, अगर कोई स्मॉल पार्ट है बॉडी का तो, नहीं तो आप जनरली इस तरीके से ही जो है कैलकुलेट हम लोग जो है कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक केस लेकर हम लोग चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लेकर चलता हूँ। केस वन, केस वन क्या कहता है, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर बॉडी के मास को हम लोग कांस्टेंट कर दें तो वेक्टर फोर्स अगर ले रहे हैं तो एम डेल भी जो कि चेंज होगा बाई डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम ए वेक्टर हो जाएगा, जहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड में बात किया जाए तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो है हमारा इन मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड में हमारा यही रहेगा, मैग्नीट्यूड ये हमारा होगा, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा यानी जो नेट फोर्स होगा वो हमारा एफ ए ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास, यानी जो सेंटर ऑफ मास के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसमें जो है ये चेंज हो जाएगा, अगर नेट फोर्स की बात किया जाएगा तब। तो इस केस में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, सिग्मा एफ टी, है ना, एफ टी ये हो जाएगा एम ए एक्स, एम ए वाई, एम ए जेड और ये हो जाएगा एम ए टी। ये जो तीन है ये आपका होगा जो कि डायमेंशन के अनुसार होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये जो टी है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन को दर्शाता है, है ना, किसको, टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो करता है अगर एफ टी है तो। अगर एफ सिग्मा एफ आर है तो ये एम ए आर होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन को दर्शाएगा, किसको, रेडियल डायरेक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक ये आपका डायनेमिक सेक्शन में ये देखने को मिलता है, इसमें डायनेमिक सेक्शन में आपको जो है देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे केस टू लेकर चलें, केस टू, तो केस टू में इफ जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी उसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। तो ये तरीके का जो फॉर्मूला होगा फोर्स का ये जनरली देखने को मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना, यूज्ड इन या सीन इन, यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली जो जेट के बारे में होता है ना, जेट के बारे में पढ़ना रहता है, उसके बारे में अगर आप डिप्लोमा किए हो तो इस चीज़ को समझ में आएगा, क्योंकि कई सारे लोग वैसे होते हैं जो बीटेक वगैरह बीटेक में जो जाते हैं वो लैटरल एंट्री से जाते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा किए हो तो ये जेट के बारे में आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, जब आप अपने अगले सेमेस्टर में जाओगे यानी फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे उस दौरान आपको जो है इसका यूजेस देखने को मिलेगा। जेट के केस में ये जो फोर्स का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल मैकेनिक्स में हम लोग जो है यही फोर्स यूज करते हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका है उसमें। अब आता है न्यूटन साहब का तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगाए हैं तो वो बॉडी भी उल्टा हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा
जितना हम उस पर लगाएंगे। यानी एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो वही कह रहा है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगला नियम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है कि मान लो ये एढ़ा तेढ़ा कैसा भी बॉडी है, ठीक है, इसका कोई लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक। अब इस लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग जो है फोर्स इस पॉइंट पे लगाएं, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर यहाँ पे एफ वन लगाए हैं तो ये थ्रू आउट लाइन ऑफ एक्शन पे एफ वन जो है लगेगा, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन हम चेंज नहीं किए तो बॉडी पे फोर्स यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे जो लगाने वाला फोर्स था यहाँ पे से हटा दिए, ठीक है, इस फोर्स को, और यहाँ पे बीच में लगा दिए तो भी वही फोर्स रहेगा, बीच में से भी हटा दिए, लास्ट में भी लगा दिए तो वही फोर्स रहेगा, लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जिस लाइन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है वो जो है चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। चलिए इसके बारे में स्टेटमेंट इसका क्या कहता है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसका स्टेटमेंट जो है आपसे पूछ देता है। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पॉइंट, उसको ट्रांसफर कर देते हैं अदर पॉइंट पे, ऑन द सेम बॉडी बट कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एंड लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, सो दैट इफेक्ट विल रिमेन सेम, है ना, सो दैट इफेक्ट रिमेन सेम। तो उस कंडीशन में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जो मान लो कि ये रिजिड बॉडी था, यहाँ पे जो फोर्स लगाए पॉइंट ए पे और इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं और इसे यहाँ पे हटा देते हैं तो भी सेम इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है वैलिड होगा, अदरवाइज आपका जो है वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, चलिए लिखता हूं मैं और साथ में आप हमें आंसर्स बताइएगा। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ विच इज
इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है इंपल्स, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है फोर्स। तो आपको जो है इसका आंसर्स बताना है, बताइए कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है कि उसको क्या कहते हैं, है ना। तो जब पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, तो आपको जो है इसका आंसर तो आना ही चाहिए, राइट। क्योंकि अगर बताने के बाद भी आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, और ये बेसिक चीज़ है यार, इस ये तो पता होना चाहिए, है ना। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगला लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों सेम चीज़ है, आप सेम चीज़ें समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल हैं हमारे इस अर्थ पे, वो हर एक पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर मेरे सामने ये मार्कर है, तो इस मार्कर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ इस मार्कर के ऊपर, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो पार्टिकल है, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? तो ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है वही कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें है क्या कि ये दो जो मार्कर है, दोनों के बीच में कुछ तो कुछ डिस्टेंस होगा, इन दोनों बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। तो इन बॉडी का जो भी मास है ना, उसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और जो इसके बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर का ही जो है फल हमें मिलता है कि हम फोर्स जो है निकाल पाते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। देखो, मान लो कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट लिए एम वन का, इसका रेडियस है आर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास है एम टू, इसका रेडियस ले लिए मान लो आर टू, इसका आर वन है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि हमारा आर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड मास m2, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बॉडी का मास है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और जो ये लेंथ बीच का दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, वही कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे ये जी।
इस जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इस जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आपका जो है होता है, जो कि 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका जो है यूनिट होता है। कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछ देता है कि आप जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या बताइए, डायमेंशन बताइए। तो आप हमें डायमेंशन जो है चैट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, ठीक है। देखिए न्यूटन का हम लोग जानते हैं कि एम एल टी का माइनस 2 होता है, इनटू मीटर का एम के पावर 2 होगा, केजी का एम के पावर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा एम माइनस 1, एल के पावर 3 एंड टी के पावर माइनस 2। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशन जो है ये आपका जो है निकल कर आ गया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे, आप एक बड़ा सा गेंद ले लो, ठीक है, बड़ा सा गेंद ले लो, उस गेंद पे एक चिट्टी को रख दो और उस गेंद को घुमा दो, क्या चिट्टी को पता चलेगा कि वो घूम रहा है कि जिस पे वो खड़ा है वो घूम रहा है? उसको लगेगा कि हम तो जहाँ पे हैं वो वहीं पे हैं, घूम तो पूरा दुनिया रहा है। वही चीज़ हमारे साथ भी होता है, हम लोगों को लगता है कि हम हमारा अर्थ नहीं घूम रहा है बल्कि हमारा सन घूम रहा है, लेकिन सन कांस्टेंट है, हमारा पृथ्वी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे पृथ्वी का मास इतना ज़्यादा है कि हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, या उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं। तो हमें वहाँ पर रख दिया तो हम लोगों को लगता है कि हम तो कांस्टेंट ही हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे लग रहा है पूरी दुनिया ही घूम रहा है। तो वही वहाँ पे होता है कि पूरी दुनिया घूम रहा है, हम तो जस का तैसा ही हैं। तो अगर हमें ये पता ने बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा पार्टिकल है और एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा पार्टिकल है, उस कंडीशन में आप हमें फोर्स का वैल्यू बताइए, उस कंडीशन में हमें फोर्स का वैल्यू बताइए। तो जो छोटा पार्टिकल होता है उसका वैल्यू हम लोग नेगलेक्ट, अगर नेगलिजिबल होगा तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर नेगलिजिबल है तो वो बॉडी जिस ऑब्जेक्ट पे है उस बॉडी का जो बड़ा बॉडी है उस बॉडी के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो बड़ा बॉडी का जो रेडियस होगा वही दोनों के बीच में के दूरी बन जाएगा। जो यहाँ पे ये दूरी रखे थे ये वही दूरी आ जाएगा। मान लो, चलो यहीं पे मैं एक फिगर ही बना देता हूँ, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, है ना, और यहाँ पे एक पार्टिकल है स्मॉल एम का, एक कैपिटल एम का बड़ा पार्टिकल है। अब यहाँ पे है तो इसका जो रेडियस होगा ना यही रेडियस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का काम करेगा, है ना, किस चीज़ का काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है ग्रेविटेशन की कि भाई कहाँ पे जी का वैल्यू जो है हमारा कितना होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम जी, यानी एम ए होता है, है ना। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई
आर स्क्वायर, यहाँ पे एम से एम कट जाएगा तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होगा। ये जो है डिपेंड करता है लोकेशन पे, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, है ना। ये क्या होता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस जी को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण कितना एक्सीलरेशन हो रहा है वो होता है। इसकी यूनिट बात किया जाए तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो है यूनिट होता है। अब ये चीज़ आ गया, अब इसी पे बेस्ड हम लोग जो है क्या कैलकुलेट कर पाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी की मदद से हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैलकुलेट कर पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मान लो अर्थ है, है ना, ये क्या है अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी परिक्रमा करेगा तो इसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा वो भी हम लोग इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा और एक बाहर की ओर लगेगा, बाहर की ओर एफ, अंदर के लिए ये बाहर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और अंदर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी जी सेंट्रीफ्यूगल को सी एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें बोलेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जी का, यानी जो ये बड़ा बॉडी है अर्थ जो है उसका, इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सी का कोई पार्टिकल है वो, तो उस केस में एम बी स्क्वायर बाई आर हम लोग जो है लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो आर है ये कौन सा आर होगा, यह वह आर होगा जहां से ये अर्थ का तो कुछ रेडियस होगा प्लस अर्थ लेकर चल रहे तो, और अर्थ से कुछ हाइट पे होगा, तो अगर कुछ हाइट पे है तो उस हाइट को भी हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं, उस हाइट को भी हम लोग क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इसको आप ऐसे कह सकते हो जी ए जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है ये आपका होगा, और यहाँ से एम जो है आपका कट जाएगा और इधर जो है आर ये आपका जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आर एच है यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे एम भी स्क्वायर बाई आर का आर प्लस एच जो है लेकर चलेंगे, तो ये एम से एम कट जाएगा तो यहाँ से जो है आप और वाइटल स्पीड यानी वी जो है निकाल सकते हैं अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच, एक यहाँ से एक तो कट ही जाएगा तो आर प्लस एच जो है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो v है ये क्या है और वाइटल स्पीड, और वाइटल स्पीड कितना और वाइटल स्पीड है वो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे g आपको पता है कि क्या होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि आप भाई बताओ कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, है ना, तो टाइम निकालने के लिए यानी टी इज इक्वल टू हो जाता है टू पाई इंटू आर प्लस एच बाई वी, ये जो है क्या निकलता है टाइम,
ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर के बारे में। रेक्टिलिनियर क्या होता है, जब कोई भी मोशन स्ट्रेट पाथ पे होता है तो उसको रेक्टिलिनियर बोला जाता है, और कर्विलिनियर कब बोला जाता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यानी कर्व पे मोशन करता है, गति में रहता है, तो उसको जो है कर्विलिनियर कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, एफर्ट, मोमेंटम, वर्क, ये सभी चीज़ें जो है एक क्वांटिटी है। इन क्वांटिटी का रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट पाथ पे जो है डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को यू या वी, है ना। यहाँ पे यू या वी जो है इनिशियल, एंड ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ठीक है, इनिशियल को यू से और फाइनल को वी से मानते हैं। एक्सेलरेशन को ए से, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफर्ट को फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोमेंटम को एम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर कर्विलिनियर में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, वेलोसिटी को में जो है इनिशियल वेलोसिटी को यू नोट और फाइनल वेलोसिटी को यू, एक्सेलरेशन को अल्फा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड एफर्ट को टॉर्क से, एंड फोर्स एंड मोमेंटम को आई ओमेगा से। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसी तरीके से अगर वर्क की बात किया जाए तो आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस, ये जो है वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है किस में, तो रेक्टिलिनियर में। वही अगर बात किया जाए उसको एज ए कर्विलिनियर के तौर पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी थीटा यानी टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को जो हम लोग लेकर चलते हैं। वही अगर यहाँ पे यूनिट की बात किया जाए तो इसका यूनिट जो है मीटर होता है, लेकिन वही अगर कर्विलिनियर में चले जाए तो इसका यूनिट जो है रेडियन होता है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। वही अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है, चाहे इनिशियल हो या फिर फाइनल। वही कर्विलिनियर में बात किया जाए तो रेडियन पर सेकेंड जो है आपका इसका यूनिट होता है। एक्सेलरेशन में बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है रेक्टिलिनियर में। वही कर्विलिनियर में बात किया जाए तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग बात करें यूनिट, तो इसका जो है जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है, जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है। वही अगर कर्विलिनियर में बात किया जाए तो जूल तो होगा ही, या फिर है ना, जूल तो होगा ही, या फिर इसको जो है एक्सेलरेशन था ना, ठीक तो है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको जो है हम लोग सेम यहाँ पे लेकर चलते हैं न्यूटन या मीटर में। फोर्स को बात किया जाए तो इसको जो है न्यूटन में लेकर चलते हैं। वही अगर टॉर्क की बात किया जाए तो न्यूटन मीटर में जो है इसको यूनिट को हम लोग जो है लेकर चलते हैं, तो ये है। वही अगर मोमेंटम की बात किया जाए तो मोमेंटम का यूनिट आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना, मास है और वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का एम बी स्क्वायर है इंटू मास है, तो एम स्क्वायर बाई यानी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। उसी तरीके से इसको भी जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है और ये इनर्शिया है, दोनों का यूनिट कंबाइन करके लिख सकते हो। तो इसका जो है आप कमेंट करके यानी चैट बॉक्स में आप हमें बताना कि कितना होगा। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो जो इक्वेशन है मोशंस का, वो जनरली तीन गो इक्वेशन जो है दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस
जो है होता है। तो ये जो v इक्वल टू u प्लस at है, ये तीन इक्वेशन जो है आपके कोई भी क्वेश्चंस को मोशन से रिलेटेड है तो उसको जो है सॉल्व किया जाता है। अब ये जो इक्वेशंस है ये आप कह सकते हो कि ये रेक्टिलिनियर के केस में यूज होगा। किसके केस में? रेक्टिलिनियर मोशन के केस में यूज होगा। वही अगर कर्विलिनियर मोशंस की बात किया जाए, है ना, यानी कोई बॉडी अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा नोट प्लस एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा और टी को लिखते हैं टी से, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, है ना, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये तीन इक्वेशन जो है हम लोग यूज़ करेंगे कब? जब हमारा कर्विलिनियर मोशन होगा तब। फोर कर्विलिनियर मोशन, है ना, कर्विलिनियर मोशन के केस में। फिर कई बार क्या होता है कि आपका जी जो है, है ना, वो इक्वल टू ए हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, नॉर्मल जो एक्सेलरेशन हम लोग ले रहे हैं वो इक्वल हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग जो है जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जी का वैल्यू ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और सोचने की बात है कि कई बार जी का वैल्यू तो ले लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी का वैल्यू, लेकिन वो जो वैल्यू लिए वो अर्थ के अगेंस्ट में जा रहा है कि अर्थ के फेवर में जा रहा है? अगर अर्थ के फेवर में जा रहा है तब ऐड होगा, और अर्थ के अगेंस्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना, और हो जाएगा s जो है वो क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेस जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा हाइट में। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये जो है फॉर्मूला हम लोग जो है देन यूज करने लगेंगे कब? जब एक्सेलरेशन जो है इक्वल हो जाएगा जी के, कब? जब अर्थ के फेवर में, यानी जिस तरफ अर्थ है उसके तरफ ही गिरेगा तब। अगर अर्थ के अगेंस्ट में बॉडी को फेंका जाएगा तो वहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस लिए वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस जी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आपको जो है क्या करना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच लॉ ऑफ मोशन, कौन सा मोशन है का लॉ है न्यूटन्स के द्वारा जो दिया गया है, जो मेजर करता है फोर्स को, यानी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। तो वो लॉ है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, या कोई नहीं है? तो सेकेंड लॉ की मदद से हम लोग जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। सेकेंड लॉ आपका ये बोलता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, है ना, इज कॉल्ड फोर्स हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। तो जो भी ग्रुप है दो या दो से अधिक फोर्स का वो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है, या फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो जो फोर्स सिस्टम्स है उसके तीन मेनली टाइप्स जो है देखने को मिलता है। पहला टाइप है पैरेलल फोर्स सिस्टम, दूसरा कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और तीसरा कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कई बार आपको स्पेशियल फोर्स सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि इस मॉड्यूल में आपको
पढ़ने हैं जो कि मैं आगे आपको आने वाले समय में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इन तीन को याद रखो। अब इन तीन में भी जो पैरेलल फोर्स सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सिस्टम या सिस्टम फोर्स। अब यहाँ पे कुछ मैं फिगर बता रहा हूँ है ना, या ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके अनुसार आप सोच कर बताना कि कौन पैरेलल फोर्स सिस्टम है, कौन कंकरेंट है, कौन लाइक है, कौन अनलाइक है। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने जो है कुछ फिगर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा वह जो है जो फोर्स सिस्टम का नाम बताओ। चलो, ये आपका लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, यह है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, यह है कंकरेंट फोर्स सिस्टम और यह है को लीनियर फोर्स सिस्टम। अब चलो वन बाय वन हम लोग जो है यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है पैरेलल फोर्स सिस्टम और क्या होता है आपका जो है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और आपका जो है लाइक और कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर जो है आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है, ये जो पैरेलल फोर्स सिस्टम ये कहता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेज का या जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के साथ, चाहे वो कितना भी दूर हो जाए लेकिन वो पैरेलल ही होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो नॉन पैरेलल हो जाएगा, जब पैरेलल है ही नहीं तो नॉन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पैरेलल में भी दो तरीके का आता है। एक होता है आपका लाइक, जिसका में देखने को मिलेगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो पैरेलल है लेकिन जो डायरेक्शंस हैं फोर्स एक्टिंग का वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। वही अनलाइक में अपोजिट होगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कंकरेंट में क्या होता है कि जो भी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का वो या तो कोई एक पॉइंट से पास करता हुआ नजर आएगा या फिर कोई एक पॉइंट पे आकर मिलता हुआ नजर आएगा, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब उसके बाद आता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे सारे के सारे फोर्स क्या हो पास करें, यानी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो लेकिन फोर्सेस कई सारे हो, तो उसको जो है कोलिनियर फोर्स सिस्टम जो है कहते हैं। अब इसको भी जो है आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कंकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम है ना, कोलिनियर पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो इसको जो है आप क्या कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, या नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम,
तो यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखोगे तो ये आपको लगेगा कि नन कंकरेंट का है, क्योंकि कंकरेंट में मैंने क्या बताया, एक ही पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आएगा, है ना। तो यहाँ से ये एरो हटा दो तो ये आपका जो है हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है। एक पॉइंट पर आकर मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा, उससे हमको क्या मतलब है, जहाँ जाए हमको तो बस फर्क ये पड़ता है कि वो एक पॉइंट पे आकर मिले, है ना, वो बस एक पॉइंट पर आकर मिले। ओके, तो यहाँ तक मेन पॉइंट्स था जो कि मुझे बताना था, और आई होप कि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो हम लोग जो है अभी तक देखे कि कैसे जो है रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। तो दो मेथड हम लोग जो है यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और उसके बाद जो है लॉ ऑफ आपका क्या था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बाद तो लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, ये दो मेथड देखे थे जिसमें जो है हम लोग कैलकुलेट किए थे इसकी मदद से। तो उसी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। तो आज का जो सेशंस है इसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपका बोला गया है, इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्ट फोर्स ऑफ टू एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी आर 40 न्यूटन एंड 10 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टू फोर्स। तो वो जो दो फोर्स है उस टू फोर्स का जो है यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है कि कितना जो है मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, कई सारे लोगों को समझ में आएगा कि ये जो 40 न्यूटन है, जो 10 न्यूटन है, ये हमारा रिजल्ट तो फोर्स तो दिया हुआ है, नहीं, ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम का। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेथड बताए थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम कब हो सकता है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, और मिनिमम कब हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे। अगर आर मैक्स की बात किया जाए तो आर मैक्स इज इक्वल टू होता है एफ वन प्लस एफ टू, यही होगा ना, आर मैक्स इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन दिया गया है, ये पहला इक्वेशन। और एक और इक्वेशन हो जाएगा आर मिनिमम, जो कि आपका एफ वन माइनस एफ टू आ जाएगा, जो कि 10 न्यूटन आपका यहाँ पे जो है हो जाएगा। ये मान लो आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इक्वेशन वन और टू। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो जब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू का यूज करेंगे तो हमारा जो एफ वन है, एफ वन का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 यानी 25 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। और एफ टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एफ टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 माइनस 25 यानी 15 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। तो ये आपका जो है वैल्यू आ गया दो फोर्स का, एफ वन और एफ टू का, एफ वन और एफ टू का यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वैल्यू जो है आ गया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप पूरा जो रिजल्टेंट इज इक्वल टू था कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन प्लस एफ टू का, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरीके से थीटा वगैरह लेकर, तो वैसे भी करोगे तो अल्टीमेट जो इक्वेशन आएंगे वो आपका यही आएगा, ठीक है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला इक्वेशन था उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे जो है लेकर आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू टेंसाइल फोर्स, दो टेंसाइल फोर्स है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, हर एक का मैग्नीट्यूड कितना है एफ है, आर एक्टिंग एट एंगल एट अ पॉइंट ऑन बॉडी, बॉडी पे एक पॉइंट पे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है, देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी। तो आपको जो है बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है क्या होगा वो यहाँ पे निकालना है।
तो मान लो कि यहाँ पे ये हमारा जो है बॉडी है, बॉडी के किसी पॉइंट यहाँ पे जो है लग रहा है ना, एक फोर्स यहाँ पे एफ ये है और एक का जो है परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे ये एफ है, एफ टू इज इक्वल टू वी एफ और यहाँ पे एफ वन इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है, एफ वन इज इक्वल टू वी एफ ले लिए और एफ टू इज इक्वल टू वी एफ ले लिए, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमारा एक्ट हो ही रहा है, तो जब परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यानी आर निकालने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, नॉर्मली तो हम लोग यही यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर और 90 डिग्री है तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ वन का स्क्वायर यानी एफ वन एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो टू एफ का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा रूट टू एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, कितना सिंपल था ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये वन लाइनर के तौर पर आएंगे, या कई बार जो है क्वेश्चन आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या दे देगा कि एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन अटैच कर देगा, एक ही क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन लिए तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर देगा, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चंस आएगा, तो बेसिक क्वेश्चन सेमेस्टर में नहीं आते हैं, सेमेस्टर में वैसे क्वेश्चंस आएंगे जिसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाए, है ना, अब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये कितना एक लाइन का है, तो वैसा क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में नहीं आएगा जो एक लाइन में सॉल्व हो जाए, आपके क्वेश्चन वैसे आएंगे जिसमें कम से कम 5 से 6 लाइन जाए, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, बट इजी रहते हैं, आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर एक बार बस प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से बना लिए तो वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वन ऑफ विच इज डबल ऑफ अदर, एक दूसरे के डबल है, अदर इज 260 न्यूटन है, इफ डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, लार्जर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड है मतलब उल्टा है, एंड द अदर रिमेंस अनअल्टर्ड मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, द रिजल्टेंट रिड्यूसेस द रिड्यूसेस टू 180 न्यूटन, कितना जो रिड्यूस हो जाता है वो 180 न्यूटन हो जाता है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एंगल बिटवीन द फोर्स, है ना, एंगल और फोर्स को जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन हम लोगों को फॉलो होगा, पहला कंडीशन हमारा यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक फॉलो होगा और दूसरा कंडीशन इधर फॉलो होगा, तो कंडीशन नंबर वन हम लोग जो है यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्या लेकर चल रहे हैं, कंडीशन नंबर वन, यहाँ पे ये मान लो कि हमारा कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ फोर्स होगा और ये कोई फोर्स होगा, ये मान लो फोर्स एफ वन है और ये फोर्स एफ टू है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा जो कि हो गया थीटा, ठीक है, एफ वन और एफ टू हो गया और कुछ फोर्स हो गया थीटा, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है 260 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 260 न्यूटन जो है यहाँ पे रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो एफ वन एफ टू दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग जो है एक इक्वेशन निकालेंगे, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये हमारा होता है, तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें इधर भी स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा 260 का स्क्वायर इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये मान लो इक्वेशन वन हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन वन हो गया। अब कंडीशन नंबर टू, यहाँ पे कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू में क्या बोला जा रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट घटकर कितना आ जा रहा है 180, 260 है लेकिन घटकर कितना आ जा रहा है 180 आ जा रहा है, ठीक है, घटकर कितना आ जा रहा है 180 आ जा रहा है, तो अब रिजल्टेंट जो है वो कितना है 180 न्यूटन, फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा हमारा
अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस एफ प्लस टू इंटू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, यह हमारा होगा, यही आएगा ना हमारा, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे एक चीज और दिया गया है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का रिजल्टेंट, वन ऑफ विच इज डबल ऑफ द अदर इज इतना, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड, फोर्स को जो है रिवर्स्ड कर दिया जाता है, एंड अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड। मैंने ये जो एफ वन है, इस एफ वन को यहाँ से हटाकर इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे कर दिया जाता है, कहाँ पे कर दिया जाता है, यहाँ पे मान लो एफ वन कर दिया जाता है। मैंने ये वाला जो है, ये वाला एफ वन को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब उसे ख़त्म किया जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल आप देखोगे, एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा हटाओगे, यहाँ से इसके रिवर्स कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल एंगल अगर बोला जाए यहाँ से तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो बिल्कुल माइनस कॉस थीटा यहाँ पे जो है बन गया। अब यहाँ पे हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये हमारा आ जाएगा, बिल्कुल ये हमारा आ जाएगा, मान लो ये इक्वेशन टू है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपका एक इक्वेशन ये आया और एक इक्वेशन ये आया, दो इक्वेशन आया। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप क्या निकाल सकते हो। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल, पहले क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पहले एंगल ही निकालें, क्योंकि यहाँ पे ये डाटा और ये डाटा इक्वेशन वन और टू को अगर ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो इसको और इसको ऐड करेंगे और एफ वन और एफ टू को ऐड करेंगे और इसको इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड होकर एक इक्वेशन जो है हमारा बन जाएगा और किसी एक के फॉर्म में उसको जो है इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, किसी एक के फॉर्म में इवैल्यूएट जो है हम लोग उसको कर लेंगे। है ना, तो चलो यहाँ पे पहले मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको लिखते हैं 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f1 प्लस 2f2, ये भी स्क्वायरिंग में है और ये मान लो इक्वेशन 3 आ गया। ये क्या आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। अब ये जो इक्वेशन 3 आया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो है एक दूसरे के डबल है। मान लो कि लेट एफ वन जो है, मान लेते हैं कि एफ है, एफ वन जो है एफ है, तो जो एफ टू होगा ये 2f होगा, ठीक है। है ना, कोई एक फोर्स वैसा है जो एक दूसरे के क्या है, डबल है। तो अगर f1 को हम लोग मानते हैं f, तो f2 को मानेंगे 2f। तो यहाँ पे अब कल देखो पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो क्या आ जाएगा, 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2f का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4
एफ का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी ये 8 और एक 10 है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10 एफ का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू आएगा वो 100 न्यूटन आएगा। एफ का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, जब कैलकुलेट करोगे आप तो कैलकुलेट करने के बाद 100 न्यूटन आएगा। तो एफ, तो ये एफ है किसके इक्वल, एफ वन है, तो एफ टू कितना आ जाएगा, एफ टू इज इक्वल टू 2F आ जाएगा, जो कि 200 न्यूटन जो है आपका ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। यहाँ से अब क्या कर सकते हो, अब आप थीटा निकाल सकते हो। तो किसी भी दो, या तो इक्वेशन वन में पुट करके थीटा निकाल दो या इक्वेशन टू में थीटा पुट करके निकाल दो, दोनों में ही आप जो है क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 260 का स्क्वायर माइनस 300, ये नहीं, 100 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 2 × 100 × 200, ये आएगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ ये लगा हुआ रहेगा ना, थीटा का ये वैल्यू आएगा, ये थीटा का वैल्यू आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे है ना, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 63.69 डिग्री जो है अप्रॉक्सीमेटली थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी पॉइंट में कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप हमें कैलकुलेट करके मतलब बताना, उसको जो है करेक्ट ज़रूर किया जाएगा। हो सकता है कहीं पे कई बार क्या होता है ना कि माइनर मिस्टेक हो जाता है, कैलकुलेट करते टाइम ध्यान कहीं और चला जाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो इफ़ यू वांट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, किसके बारे में, रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अब क्या बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, ये प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आप फोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, जो भी कंकरेंट फोर्सेस दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे एक्स ऑर्डिनेट वाला कंपोनेंट हो या वाई ऑर्डिनेट वाला कंपोनेंट हो, मतलब साइन वाला कंपोनेंट हो या कॉस वाला कंपोनेंट हो, जो भी कंपोनेंट हो उसको इस तरीके से चेंज करना ताकि जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे, जो उसके द्वारा फोर्स लगाए जा रहे हैं, उस फोर्स को जब बॉडी पे लगाया जा रहा है, जब उसका कंपोनेंट तोड़े हैं, तो उसके इफ़ेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी फोर्स को इस तरीके से आपको तोड़ना है, और फोर्स जो रिजॉल्व होगा वो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, म्यूचुअली होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में अगर फोर्स कंपोनेंट टूट रहा है तो वो दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों, और ये इस तरीके से आपका जो है टूटना चाहिए। तो ये जो है हमारा रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टू कंकरेंट फोर्सेस into a
नंबर ऑफ कंपोनेंट इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड चेंजिंग its effect and changing no effect on body at which that applied or act है ना, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो the process of a splitting of two given concurrent forces into a number of component without changing the effect of forces applied on it. It's मतलब आप अपने तरीके से जिस तरीके से मन करें, देखो जो साइंस है ना या जो मैकेनिक्स है इसमें जब आप सेमेस्टर एग्जाम देते हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा ग्रामर को फॉलो करो. जो आप बोल रहे हो ना उसका बोलने का जो श्रेय है यानी जो मतलब है मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चलना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो. यानी कि मतलब कुछ बोल दिए बस समझ में, मतलब जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या बोल रहे हैं, तो उसको पता चलना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, अ फोर्स इज रिजॉल्व a force is resolved into mutual perpendicular direction है ना, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है टूटता है. जैसे मान लो कि एफ है तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ वन, यहाँ पे अगर थीटा है तो एफ वन कॉस थीटा, और ऊपर की ओर एक टूटेगा एफ वन साइन थीटा. तो ये क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है. ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है. तो ये जो कंपोनेंट में टूटा फोर्सेस इसी को जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है उसको निकालने के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है. यानी इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है निकालते हैं कि भाई जो दो कंपोनेंट में टूटा है फोर्स उसका वैल्यू क्या होगा. तो अगर किसी एक कंपोनेंट का निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई और रिजल्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा वो हम लोग जो है निकाल सकते हैं. यहाँ पे एंगल निकालने के लिए टैन अल्फा इज इक्वल टू यूज करते हैं और होता है समेसन ऑफ एफ बाई समेसन ऑफ एफ एक्स. तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स एफ समेसन ऑफ एफ बाई समेसन ऑफ एफ एक्स. ये जो है आपका एंगल निकालने का कि भाई कितना डिग्री पे जो है हम लोग कंपोनेंट को तोड़े हैं ताकि उसका वैल्यू जो है रिजल्टेंट के इक्वल आए, ये यहाँ पे जो है हम लोग करते हैं. तो इस पे जो क्वेश्चंस है और भी आने वाले समय में मैं बताऊँगा. आज को यहीं तक मैं रखता हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चंस को जितना से ज़्यादा हो सके अपने लेवल पे डियर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए. और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आप अगर गेट का तैयारी भी करते हो तो भी आपके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे 2D बॉडी और 3D बॉडी के बारे में. तो क्या है 2D बॉडी और क्या है 3D बॉडी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है चर्चा करते हैं. देखो 2D बॉडी जिसको सिर्फ हम लोग उसका लेंथ और ब्रिथ को ही देख सकते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ही हम लोग जो है देख सकते हैं. और ये जो 2D बॉडी है
इसमें जो भी फोर्सेस होंगे वो कोलीनियर आपका हो सकता है, कोलीनियर आपका हो सकता है। कोलीनियर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे भी हम फोर्स लगाएंगे, है ना, इस पॉइंट पे भी हमारा फोर्स लगेगा, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा हो सकता है कि दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो। और साथ ही साथ कोप्लानर फोर्स भी हो सकता है, है ना, क्योंकि अब मान लो कि यहाँ के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कोप्लानर, ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ ये मान लो कि एफ वन हो गया, ये एफ टू हो गया, ये एफ थ्री हो गया और ये एफ फोर हो गया, तो एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ फोर, ये जो है ये कौन सा फोर्स सिस्टम कहलाएगा, ये कहलाएगा कोप्लानर, कोप्लानर पैरेलल, कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम जो है ये आपका कहलाएगा, ठीक है। वही अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोलिनियर कैसे होगा, मान लो कि एक यहाँ पे पॉइंट पे फोर्स लग गया, इस पॉइंट पे फोर्स लगा, इस पॉइंट पे फोर्स लगा, हो सकता है इस पॉइंट पे भी फोर्स लगा, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे जब कई सारे फोर्सेज एक्ट होने लगे तो उसको क्या कहते हैं, कोलीनियर, मतलब एक ही लाइन पे कई सारे फोर्स जो है एक्ट हो रहे हैं, एक ही लाइन पे जब कई सारे फोर्स एक्ट होंगे तब हम लोग उसको कहेंगे। वही अगर 3D बॉडी में देखें तो एक प्लेन में, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन से 3D बॉडी बनता है, जो 3D बॉडी है, 3D बॉडी है ना, 3D बॉडी जो है वो एक प्लेन पे लगने वाला फोर्स होता है, तो यहाँ पे ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, है ना, तो F1, F2, F3, F4 ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, अलग अलग प्लेन पे आपको ये एक्ट हो रहे हैं, तो जब ये अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं तो यहाँ पे जो लेंगे यानी 3D बॉडी के केस में F1, F2, F4 जो लेंगे, है ना, F1, F2, F3, F4 ये क्या होगा, ये आपका नन कोप्लानर, नन कोप्लानर, नन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलली तो आपको लग रहा है कि पैरेलल है, लेकिन क्या एक ही प्लेन पर लग रहा है, नहीं, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पर लगने वाला फोर्स, कोलिनियर एक ही लाइन पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, तो नन कोप्लानर पैरेलल, पैरेलल फोर्स सिस्टम जो है ये आपका कहलाएगा। वही अगर बात किया जाए तो जो 3D बॉडी होता है उसमें 3 डायरेक्शंस आपको देखने को मिलता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, कितने, एक्स वाई जेड, यानी लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें जो है आपको इसमें इंक्लूडेड होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है, किसमें, तो 3D बॉडी में। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है उसको जो है आपको नोट करना है साथ में, तो चलिए नोट करते हैं और आप भी लिखिएगा नोट, यहाँ पे लिखिएगा नोट, है ना, नोट, नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट आपका यहाँ पे है, एवरी कोलिनियर, एवरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम मे बी द कंकरेंट फोर्स सिस्टम, यानी जितने कोलिनियर फोर्स सिस्टम है वो सभी के सभी कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो सकते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम नीड नॉट बी अ कोलिनियर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, है, उसको कोलिनियर फोर्स सिस्टम जो है यहाँ पे कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहते किसको हैं, अ सिंगल फोर्स, अ
सिंगल फोर्स ऑफ हैविंग सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज दैट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है, सिंपल समझो, मान लो कि हमारा 3D बॉडी था, है ना। ये 3D बॉडी पे हम लोग जो है फोर्स, मान लो कि हम फोर्स लगाए, एक इधर से फोर्स लगा दिए F1, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा दिए F2, यहाँ से फोर्स लगा दिए F3, यहाँ पे फोर्स लगा दिए F4, यहाँ पे फोर्स लगा दिए F5, और इधर फोर्स लगा दिए F5 हो गया 6, और यहाँ पे फोर्स लगा दिए F7। ठीक है, ये जो 3D बॉडी था, इस 3D बॉडी पे 7 अलग अलग डायरेक्शन से क्या किए, फोर्स को लगाए, और 7 अलग अलग डायरेक्शन से जब फोर्स लगाए तो 7 अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हो सकता है कि अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हो, है ना, ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में हो। तो जब वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट हो रहा है किसी बॉडी पे, तो हम ऐसा सोचेंगे क्यों नहीं 7 अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्स आ रहा है उसको एक ही डायरेक्शन से लगाएं। तो कितना फोर्स लगाएंगे एक ही डायरेक्शन से, कोई भी एक डायरेक्शन में लगा देंगे, ताकि जो 7 अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगने पर जो इफेक्ट आ रहा था, यानी जो प्रभाव देखने को मिल रहा था हमारी इस बॉडी में, वही प्रभाव हमें यहाँ पे एक फोर्स लगाएं तो दिखे, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे जो है हम लोग कहेंगे उसको, जब इन 7 फोर्स को क्या कर देंगे, काट देंगे, ये ख़त्म, 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 इसको बस एक फोर्स लगा देंगे, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिजल्टेंट फोर्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बोल देंगे कि भाई एक फोर्स जो है हम लोग लगाएंगे R, उसी में हमारा जो है सारा काम तमाम क्रियाक्रम सब खत्म हो जाएगा, काम तमाम क्रियाक्रम जो है सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोग कहते हैं, और उसको जो है रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कई सारे स्टेप्स या कई अलग अलग मेथड्स हम लोग जो है यूज करते हैं। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड्स है, जो कि है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि बहुत अच्छा मेथड भी है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसको अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके आप जो है क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपके सामने मैं मिटा रहा हूँ, और वीडियो को जो है ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड, अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2-3 बार, और ये चीज़ यार तुम लोग बेसिक शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो तो ये तुम लोगों को पता हो जाना चाहिए, ये तो याद होना हो जाना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बेसिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किस चीज़ को निकालने के लिए भाई, तो रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू कंकरेंट फोर्स ओनली, है ना, 2 कंकरेंट फोर्स होगा उसी में रिजल्टेंट निकालना रहेगा, तभी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अदरवाइज इसको जो है अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ये दो तरीके से निकालते हैं, एक हम लोग निकालते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच कर सकते हैं। और ग्राफिकल अप्रोच में कि नॉर्मली ग्राफ बना देंगे, उसको स्केल से मेजर कर देंगे और जितना लेंथ आएगा वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा कि हाँ भाई इसका रिजल्टेंट जो है इतना होगा। लेकिन एनालिटिकल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह यूज़ करके फिर हम लोग जो है उसको करते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो पहला तरीका है ग्राफिकल, ग्राफिकल अप्रोच, है ना, ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच में क्या करते हैं, मान लो कि हमारा एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ये है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लो ये F1 और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है F2, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देंगे इस तरीके से, और इसका जो है ये जो R है इसका बस नेमली क्या कर देंगे, लेंथ को मेजर कर देंगे, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चंस की मदद से मैं समझाता हूँ, मान लो कि F1 जो है वो 40 न्यूटन है और F2 जो है ये मान लो 60 न्यूटन है, ठीक है, एंड एंगल जो है एंगल बिटवीन F1 एंड F2 जो है यानी थीटा ये दिया गया है 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ग्राफिकल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग लेट मी एज्यूम, जब ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे या मानेंगे कि 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन है। तो R इज इक्वल टू AC जो कि मान लो कि 45 सेंटीमीटर आया, ठीक है, जब स्केल की मदद से मेजर करेंगे इन दोनों को पैरेललोग्राम बनाने के बाद, क्योंकि F1 का कुछ लेंथ होगा इसका, मान लो कि यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेजर कर लिए थे, क्या कर लिए थे, देखो अब 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर जब था हमारा तो हम लोग जो है ये लिए, ये क्या किए, एज्यूम किए। तो जब ये एज्यूम किए तो हम लोग देखेंगे कि F2 कितना है, 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन जो है कितना के बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। और F1 जो है ये 40 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब स्केल से ये एक लाइन बनाएंगे, F1 जो है 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे और F2 जो है 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो इन दोनों को बनाएंगे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, और उसके का यूज करते हुए क्या बना देंगे, हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे, क्योंकि इसका साइड के इक्वल ये आएगा, इसके साइड के इक्वल ये आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड जब इक्वल होता है तो पैरेलल होगा, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसके बीच का जो आएगा R, है ना, ये जो डायगोनल आएगा डायगोनल को मेजर कर देंगे। तो मान लो कि R इज इक्वल टू स्केल से मेजर किए तो AC का जो मान लो कि यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पे B दे देंगे, यहाँ पे D दे देंगे, ठीक है। तो AC का जो मेजर किए वो मान लो कि आ गया 45 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर। तो जब 45 सेंटीमीटर आया चार सेंटीमीटर ही होगा ना, कि कुछ गलत कर रहे हैं, साठ गुने 0.1, हाँ तो 6, ठीक है, चलो एक ही मानते हैं ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मानते हैं, तो 40 न्यूटन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 0.1 लेकर चलते हैं, 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, हाँ वही ठीक है।
ठीक है, तो मान लो कि मेजर किए और यहाँ पे आया 4.5 सेंटीमीटर, कितना आया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मेजर किए तो हमें पता चला कि 4.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हमारा आ गया। तो हम लोग जो है r इज इक्वल टू निकालेंगे, तो 4.5 या 45 ही मानकर चलो, 45 ही आ गया हमारा। ठीक है, डायगोनल कितना आ गया 45 सेंटीमीटर आ गया, सपोज डैट हम लोग मान कर चल रहे हैं ना। तो मान लो कि इतना आ गया, तो इतना गुने 0.1 / 0.1, तो ये आ जाएगा 45 न्यूटन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 45 न्यूटन आ जाएगा, 4.5 न्यूटन आ जाएगा, 4.5 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.5 न्यूटन जो है हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा 4.5 आएगा ना, हाँ 4.5 न्यूटन आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे जो है हमें कुछ और वैल्यू आता, ठीक है, यहाँ पे मान लेते कि कुछ और वैल्यू आता, तो कुछ और यहाँ पे ले लेते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्या करने हैं, ये ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करने हैं। किसकी मदद से? ग्राफिकल मेथड की मदद से। वही अगर बी पार्ट किया जाए, एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल अप्रोच या ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच या इसको कहा जाता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मान लो कि ये एक कर लिए, यहाँ से एक F2 और इधर जो है आपका F1 गया, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से एक रिजल्टेंट आएगा, ये मान लो R। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये मान लो कि ये जो एंगल है ये आपका बीटा हो गया, ये वाला एंगल कौन वाला, तो F1 और R के बीच वाला। ठीक है, अब मान लो कि इसको जो है आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये वाला ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये भी थीटा हो जाएगा, और ये तो F2 है, और यहाँ से ये जो है ये जो आएगा ये F2 है ना, ये F2 साइन थीटा आएगा। और ये वाला अगर बात किया जाए यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, ये जो सिर्फ एंगल लेकर चल रहे हैं ये वाला के लिए, तो ये आ जाएगा F2 cos थीटा, क्या आ जाएगा F2 cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है हमारा F1 हो जाएगा, है ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये हमारा F2 था, राइट। तो ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये था, तो F1 हो गया। तो मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मान लो B है, ये C है, और यहाँ पे ये D है, और ये E है। तो इन फ्रॉम ट्रायंगल ACE, देखो ACE ट्रायंगल में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा F2 cos थीटा प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 sin थीटा का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1F2 कॉस थीटा। यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निकालें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। देखो अब कौन कौन लिए, ये जो था ये
और ये दोनों को क्या किए, कॉमन ले लिए, दोनों में से F2 को कॉमन ले लिए। तो R इज इक्वल टू करेंगे तो R इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये जो है रिजल्टेंट का क्या आएगा एनालिटिकल फॉर्म में जब कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इससे क्या निकलेगा, इससे हमें मैग्नीट्यूड जो है निकल जाएगा। वही डायरेक्शंस के लिए बात किया जाए तो डायरेक्शंस के लिए देखो, ये थीटा था, ये बीटा लिए, ये पूरा एंगल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल कितना मान लो अल्फ़ा ले लिए, तो अल्फ़ा ले लिए, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा गामा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो अगेन टैन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स एफ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। ये जो है किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा, यानी ये आपको बताएगा डायरेक्शंस को, ये किसको बताएगा, ये आपका डायरेक्शंस को बताएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो याद रखना है, यहाँ पे इतनी चीज़ें तो मैंने बताया लेकिन इतनी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है मेन पॉइंट, आपको ये एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे मैं वी वी आई लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है जिसको मैं वी वी आई दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें कैसे आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको याद रहना चाहिए कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, और बीटा यानी ये जो एंगल निकालेंगे रिजल्ट मैंने जो एफ वन है, है ना, मतलब रिजल्टेंट कितना डिग्री इंक्लाइंड पे है वो हम लोगों को वहाँ पे निकालना है। तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की नहीं है, बस यही तो आपको करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे जो है आपको ध्यान देना है। कौन से वो पॉइंट्स हैं, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाए, पहला केस है कि अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन। तो जब कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होगा तो इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू सर हमारा आ जाएगा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू, जी बिल्कुल सर यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, बस आर इज इक्वल टू एफ वन एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू आ जाएगा। चलिए सर यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब मान लो कि अगर दूसरा कंडीशन थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेते हैं सर तो क्या होगा, तो जब 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू लेंगे तो कॉस थीटा जो है ये कितना आ जाएगा, जीरो, कितना आ जाएगा सर, जीरो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर, क्योंकि सर यहाँ पे ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। पहला वाला केस में थीटा जो है सिर्फ वन हो रहा था, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा, क्योंकि किसी भी टर्म में जीरो से मल्टीप्लाई करने पर टर्म हमें क्या मिलता है सर, तो जीरो मिलता है, क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो जीरो जो है हमारा यहाँ पे हो गया। तीसरा कंडीशन अगर थीटा इज इक्वल टू सर 180 डिग्री हो जाए तो कैसे निकालेंगे, तो सर अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तो जो कॉस थीटा है ना, जो कॉस थीटा है उसका वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। अच्छा सर, तो जब माइनस वन हो जाएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू, बिल्कुल यही तो करना था। तो ये तीन कंडीशन जो है इस पे ही आपका बेस्ड है, और इससे जो है आपका रिलेटिवली क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, मेनली आप फॉर्मूला लिख लो, बाकी चीज़ें तो आपका प्राइमरी नहीं है, है ना, सेकेंडरी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई काम नहीं है। अब इसमें जो दूसरा मेथड्स है रिजल्टेंट निकालने का, वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो हेडिंग आप डालिएगा लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, क्या डालिएगा, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा मेथड है लॉ ऑफ ट्रायंगल्स यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल, या पैरेलल हटा दो, टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स, या टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम या फोर्स ओनली हम लोग जो है यहाँ पे आपको जो है करना होगा, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे। अब सर अभी आप बताएं कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी आपका दो कंकरेंट के लिए ही है, ये भी कंकरेंट के लिए है, तो दो से ज़्यादा फोर्स रहेगा तो कैसे करेंगे। अरे क्या करना है, दो से ज़्यादा है तो किसी दो को पहले लेना है, उसका इक्विवेलेंट निकालना है, फिर दो को लेना है, फिर इक्विवेलेंट निकालना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा इस तरीके से कर सकते हैं जी, बिल्कुल इस तरीके से आपको जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप जो लोग डिप्लोमा के बाद यहाँ पे आए हो बीटेक में, उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वे लोग ऑलरेडी जो है समझदार हैं यहाँ पे कि कैसे जो है रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कोई बॉडी है इस तरीके का, यहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ से एक का फोर्स गया इधर, है ना, तो ये F1 है और यहाँ पे एक फोर्स अगेन अप्लाई हुआ F2, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन जाएगा और ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट, ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये आपका कहलाता है हेड, और जो पीछे वाला पूछ वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं टेल, टेल का मतलब वैसे भी होता है पूछ। तो इसमें भी हम लोग जो है ग्राफिकल अप्रोच, पहला अप्रोच करेंगे ग्राफिकल, क्या करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच में अगेन सर क्या करना है, F1 का लेंथ कैलकुलेट कर लेना है, एज्यूम कर लेंगे, क्या मान लो कि क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है सर कि F1 जो है 40 न्यूटन है अगेन, और F2 जो है 60 न्यूटन है, तो एज्यूम कि पॉइंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या आप उल्टा कर सकते हो, आप कर सकते हो कि 0.1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर कि अगर आपका 40 न्यूटन है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो है हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 और F2 जो है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलो लेंथ मेजर कर लेंगे एक स्केल से, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, फिर इसका मेजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट ए से उस इसके हेड तक मिलाएंगे, तो जो जितना भी लेंथ होगा आर का सर वो जो है हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अज्यूम करते हैं कि आर इज इक्वल टू जो है हमारा 45 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, 45 सेंटीमीटर गुने 0.1 कर देंगे तो हमारा जो है 4.5 न्यूटन। तो ये क्या आ गया सर, 4.5 न्यूटन, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये किस मेथड से किए सर, तो ये हम लोग किए ग्राफिकल अप्रोच की मदद से, किसकी मदद से, ग्राफिकल अप्रोच की मदद से ये जो है हम लोग किए, बिल्कुल। अब इसी में हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
एनालिटिकल अप्रोच, तो यहाँ पे बी पार्ट लिखिएगा एनालिटिकल अप्रोच, है ना, एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में क्या करेंगे सर, एनालिटिकल अप्रोच में करेंगे हम लोग ये कि यहाँ पे मान लो कि ये एक है एफ वन, ये जा रहा था, ठीक है, इसके बाद ये जो है यहाँ पे एफ टू गया, यहाँ से अगेन इसको जो है डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल मान लो कि बीटा है, और ये पूरा एंगल हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा है, और ये जो है गामा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये थीटा कहलाएगा, ठीक है, ये अगर बात किया जाए तो ये थीटा अगर उसको मान लेंगे तो इसको 180 माइनस थीटा जो है ले लेंगे, ये एफ टू है, ये एफ वन है, तो इन ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो एंगल ए जो है हम लोग लेकर चले हैं बीटा, एंगल ए को कितना लेकर चले हैं बीटा, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 180 माइनस थीटा, और एंगल सी क्या है, एंगल सी क्या है, तो एंगल सी सर हमें तो दिया हुआ नहीं है, तो एंगल सी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये जो थीटा है अगर मान लो कि ऐसे करते हैं तो वो होगा, अदरवाइज एंगल सी को एंगल सी ही रहने देते हैं, एंगल सी को एंगल सी ही अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, उस पर कोई इफ़ेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा, तो एंगल सी यहाँ पे निकाल सकते हैं, एंगल सी आ जाएगा थीटा माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि ये 180 और इधर 180, ये इधर आ जाएगा या ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है हमारा सर आ जाएगा एंगल थीटा, यानी ये जो एंगल है ये एंगल कितना आएगा सर, ये एंगल आ गया थीटा माइनस बीटा, कितना आ गया थीटा माइनस बीटा जो है ये एंगल आ गया। तो अब यूज करेंगे हम लोग सर यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यूज करेंगे साइन रूल, तो जब साइन रूल सर हम लोग यूज करेंगे तो एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा माइनस बीटा के, इसका मतलब सर कि एफ वन इज इक्वल टू के साइन थीटा माइनस बीटा, और के इज इक्वल टू आ जाएगा एफ वन बाई साइन थीटा माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, बिल्कुल। अब एफ टू इज इक्वल टू करें, एफ टू जो है ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा साइन बीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ टू इज इक्वल टू के साइन बीटा, इट का मतलब है सर कि के इज इक्वल टू आ जाएगा एफ टू बाई साइन बीटा, ये मान लो इक्वेशन टू हो गया। एंड आर रिजल्टेंट भी हम लोग ले रहे थे ना, ये जो है ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट था जिसको हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो रिजल्टेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल एफ वन, यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिए थे ना, 180 माइनस थीटा होगा, जितना लिए हैं वो लेकर चलेंगे ना, 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि एक है ना एफ वन के है, तो हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा ये थीटा माइनस बीटा इज इक्वल, तो ये आ जाएगा सर कि आर इज इक्वल टू के साइन थीटा माइनस बीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस बीटा, तो सर यहाँ पे के इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ये आर आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस बीटा, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन तीन, तो इक्वेशन वन टू थ्री है ना, ये तीन इक्वेशन हो जाएंगे जब साइन रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन
टू एंड थ्री, है ना, इक्वेशन वन टू एंड थ्री। यहाँ पे हम लोग जो है एफ वन बाई साइन थीटा माइनस बीटा इक्वल टू एफ टू बाई साइन बीटा इक्वल टू आर बाई आर बाई थीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, किसी कोई ना कोई एक तो दिया हुआ रहेगा ना सर, कोई ना कोई एक तो दिया हुआ ना। मान लो कि हमें रिजल्टेंट निकालना है तो किसी एक के साथ हम लोग जो है इसको कंपैरिजन कर देंगे सर, और वहाँ से जो है क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो सर यहाँ पे हमको तो लग रहा है कि ये लामिस थ्योरम यूज़ किए, तो एक तरीके से साइन रूल में भी लामिस थ्योरम ही होता है, लेकिन अभी आप वो चीज़ नहीं पढ़े हैं। जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को डायरेक्टली पता चल गया होगा कि लामिस थ्योरम क्या होता है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें जो है थोड़ा साइन रूल की मदद से ही समझिए कि साइन रूल से ऐसे ऐसे निकालते हैं सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालिटिकल अप्रोच, और ये हो जाएगा ग्राफिकल अप्रोच। तो आपको मेनली अगर हमें लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकालना है तो क्या कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे सर, फॉर्मूला हम लोग ये वाला बस याद रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे हमारा सर आ जाएगा। ये F1 जो है F1 के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो ये मान लो कि आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये F1 हो जाएगा, तो F1 के अपोजिट 180 माइनस थीटा है। F2 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीटा। एंड R के अपोजिट, तो ये R है, R के अपोजिट ये वाला होगा, क्योंकि इसको और आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये R आ जाएगा, तो R के अपोजिट ये वाला हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे सर, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सर कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आने वाले समय में जो भी वीडियोस आपको आगे मिलेगी वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मेनली आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है लाइए मैं VVI लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, VVI जो है मैं यहाँ पे लिख दिया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।